फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये है हैप्पी न्यू ईयर वाला ब्लॉग। सो आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर, और होपफुली कि ये साल आप लोगों के लिए अच्छा जाए, आप लोग जो विश करो आप लोगों को मिल जाए। और मेरा तो एक ही विश है कि मेरा एटलीस्ट मतलब 100K तो मेरे चैनल पे हो जाए। सो उसके लिए तो हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिलहाल तो बहुत मुश्किल से मेरे को लग रहा है कुछ दिन में 500 हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं हम इस चीज़ के लिए, और ये अभी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। मेरे को और भी प्यार चाहिए आप लोगों से। सो अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो और आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो सबसे पहले तो हम अभी चाय बना ले रहे उठ के, और ये तो मेरे लिए एक रिचुअल की तरह हो गया है कि सुबह उठ के चाय बनाना है, सबको चाय पिलाना है और ख़ुद भी चाय पीना, और ये करने से ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। सो और कभी कभी बेड्टी मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में मासी काम वाम करके चली गई घर, और इधर हम सोच ही रहे थे कि नाश्ते में क्या बनाएंगे। उतने में ही भाभी, मतलब ऊपर वाली भाभी है जो मेरी, वो आके मेरे को नाश्ता देके गई, पूड़ी और छोला का सब्जी। सो हम और आरू वही खा रहे हैं। और अगर आपका भी छोटा बच्चा है सो आप लोग भी ना उसको अपने साथ ही बैठा के खाना खिलाइएगा। इससे क्या होगा ना कि वो ज़्यादा खाना खाएगा। बहुत लोगों का ऐसे मतलब कंसर्न रहता है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते। सो अगर आप अपने साथ बैठा के खाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से खाना खाएगा। सो हम नहा धोवा के हम आ गए पूजा करने के लिए। सो अभी काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि आप खा के पूजा कर रहे। सो यह हमको बहुत तेज़ का भूख लग रहा था, तो इसलिए हम सोचे कि पहले खा लेते हैं और उसके बाद में हम पूजा करेंगे, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा ऑब्वियसली, सो उसको भी मेरे को खाना खिलाना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमको भी खाना पड़ता है। बट भगवान, एक चीज़ है ना कि भगवान चाहते हैं और बोलते भी हैं कि आप उनके पास मन से आओ, बस उससे बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता है। सो इधर हम पूजा वूजा कर ले रहे हैं, और आरू भी मेरे साथ ही खड़ा है, और अभी वो भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। और उसको ये चीज़ हम लोग नहीं सीखा है, वो हम लोग से देख देख के ही सीखा है, और कभी कभी तो ऐसे जय जय बोल देता है जब मन रहता है तो, नहीं तो नहीं। सो उसके बाद में ना मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया ऐसा, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। सो खाना वाना खा के हम सो गए थे, और विकास इधर मेरे को चाय ला के दिया, और हम बहुत अफसोस कर रहे थे कि आज का दिन हम बहुत कुछ प्लान किए थे बट कुछ नहीं हो पाया। देखिए इधर आरू को भी हम तैयार कर दिए थे, बट फिर उसके बाद हम कहीं जा नहीं पाए क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं लग रहा था, और बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ के लिए। बट विकास बोले कि नहीं, आज का दिन कुछ तो तुम करो, तुम्हारा ब्लॉग भी है, कैसे तुम उस चीज़ को कम्प्लीट करोगी ब्लॉग को। सो हम बोले कि हाँ चलो कुछ तो करना पड़ेगा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। सो शॉपिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्या ही हो सकता है। सो हम सोचे कि चलो आज नए साल पे घर के लिए कुछ सामान लिया जाए। सो सबसे पहले ना हम आए मॉल, और मेरे को ना ये फ़ोटो फ्रेम दिखा जो कि मेरे को बहुत पसंद आया, बट इतना ज़्यादा फ्रेम ऑलरेडी घर पे लगा हुआ है सो हम लोग नहीं लिए। एंड उसके बाद में ये कैंडल देखे, और ये भी कुछ खास नहीं लगा, तो कुछ घर का और खाने पीने का सामान ही लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे। और बिल करवा के हमको फिर से पेट में दर्द होने लगा, तो हम लोग आ गए मेडिकल शॉप, क्योंकि विकास बोले कि अब तो मेडिसिन ले ही लो, क्या पता रात में दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो। एंड भाई को कुछ सामान लेना था तो वो पहले निकल गया था, और इधर वो भी मेडिकल शॉप आ गया। एंड उसके बाद में हम लोग आगे जा रहे थे सब्जी लेने के लिए, तो उससे पहले मेरे को दिखा ना ये कार्ड का दुकान, और मेरे को मेरा बचपन का काफ़ी ज़्यादा याद आ गया, और हम बहुत इमोशनल हो गए कि पहले जब दोस्त थे तो पैसा नहीं था उन लोगों के लिए कार्ड लेने के लिए, और जब पैसा है तो दोस्त नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, या फिर इंटरनेट ऐसा आ गया है कि हम लोग आजकल मैसेज में ही सब कुछ विशेष भेज देते हैं। सो कार्ड देख के विकास बोल रहे थे कि अगर तुमको कोई है किसी को भेजना है तो ले लो, बट हम बोले कि मेरा कोई है ही नहीं है मतलब ऐसा दोस्त जिसको हम भेज सके, और सबको तो मैसेजेस कर ही देते हैं। सो हम थोड़ा सा ऐसे लो फील कर रहे थे, तो विकास मेरे को यहाँ ले आया गोल्ड शॉप में, और मेरे को सरप्राइज़ दिए। मेरे को काफ़ी दिन से एक नोज़ पिन लेना था क्योंकि मेरा पहला वाला टूट गया था। सो वो बोले कि नहीं तुम आज के दिन ले लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेमोरेबल रहेगा तुम्हारे लिए, और सच में मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल था। सो उसके बाद में हम लोग सब्जी वब्जी ले ली, क्योंकि सब्जी भी लेना था घर के लिए, और हम सब्जी लेने के लिए बहुत कम आते हैं, तो विकास बोले कि आज तो मार्केट आई हो तो अपना पसंद का ही सब्जी सारा ले जाओ। सो यहाँ पे ना बहुत ही वैरायटीज़ का सब्जी था, मतलब ठंडे के दिन में वैसे भी काफ़ी सब्जी मिलता है। सो हम सब्जी ले लिए, और उसके बाद में हम आज जाने वाले बहुत ही स्पेशल जगह पे, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और वो जगह मेरे लिए क्यों स्पेशल है, जो लोग मेरे ब्लॉग्स और शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि वो जगह मेरे लिए क्यों इतना स्पेशल है। तो सब्जी लेके हम आ गए ये जगह, और यहाँ पे है मेरा दो प्यारा मछली, मतलब जो मेरा एक्वेरियम में सब मतलब करीबन 4-5 साल से मेरे एक्वेरियम में था, बट वो बहुत बड़ा हो गया था तो इसलिए हमको ये तालाब में छोड़ना पड़ा था। और हम उन लोगों से ही मिलने आए थे, उनको भी न्यू ईयर विश करने आए थे क्योंकि वो हमारा फैमिली है। और जब इनको हम यहाँ छोड़ रहे थे तो हम काफ़ी इमोशनल हुए थे, वो वीडियो और वो स्टोरी आप सबके साथ में शेयर किए थे शॉर्ट वीडियो में, और लॉन्ग वीडियो भी बनाए थे हम उसके लिए। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। तो हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किए और ये मेरे आज का दिन का बेस्ट पार्ट था। एंड उसके बाद मैं घर आके हमको गया भूख, सो हम ब्रेड बटर सेक लिए और उधर चाय बना लिए और नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज का ना भूख लग रहा था। दवा खाने के बाद में थोड़ा सा आराम लगा। पढ़ाई नहीं करना बेटा तुमको, गंदा बात है पापा। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। 1 1 1 ये कितना है, कितना है? 1 2 3 4 दिन भर नॉर्मल खाना खाने के बाद में हम सोचे कि कुछ स्पेशल सा खाना खाया जाए क्योंकि आज न्यू ईयर है। सो हम विकास का पसंद का चिकन चिली और मिक्स फ्राइड राइस और खुद के लिए नान मंगाए थे। सो हम लोग वही आज करने वाले हैं डिनर, क्योंकि बाहर तो जा नहीं पाए क्योंकि वैसे भी बाहर में बहुत भीड़ रहता है इस टाइम पर न्यू ईयर के टाइम पर, तो सोचे कि घर में ही ऑर्डर करके खा लेते हैं। सो ये था मेरा ब्लॉग, होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं अदर ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।